मैंने उसको पूछा, क्या यीशु मसीह बचा सकता है? हाँ बचा सकता है। कौन कौन से नशे करता था? स्मैक, इंजेक्शन। सुनिए ध्यान से, स्मैक, इंजेक्शन, इंजेक्शन और दारू, दारू पीता कैप, था कैप्सूल, कैप्सूल खाता था। इंजेक्शन कहाँ लगाता था? नसों में लगाता था। एक दिन में कितनी बार नशे इंजेक्शन लगाता था? तीन बार। एक दिन में तीन बार ये इंजेक्शन लिया करता था। क्या होता था उससे? नशा होता था। नशा होता था। कुछ आराम मिलता था? नहीं। कुछ तसल्ली? नहीं मिलती थी। तो माँ बाप खुश थे? बहुत दुखी थे माँ बाप। हाँ जी, बहुत दुखी थे। वो तो कहते थे कि मर जाए तो अच्छा है। देखिए माँ बाप क्या बोलते थे, मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। मतलब अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, और जिस कारण मैं नशे करने लगा, दारू में पिया करता था, स्मैक में पीता था, इंजेक्शन में लगाता था, कैप्सूल में लगाया करता था, बस इसी कारण लगाता था, मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा था, तो इसी टेंशन के कारण मैं नशे किया करता था। फिर तो क्या हुआ? फिर बस नशे करता रहता था पागलों की तरह। छूटे कैसे नशे? ने एक हफ्ते की वो रखी फास्टिंग। तो हम इनके मुँह से सुनेंगे, कहीं कोई कहे शायद मैंने इसको सिखाया। मैंने एक हफ्ते की फास्टिंग रखी कि प्रभु यीशु मसीह शायद मुझ पर दया करे, तो एक हफ्ते के अंदर, सुनिए, एक हफ्ते की उपवास प्रार्थना की इसने, शायद मुझे इस नशे से छुटकारा दे दे। तो मेरी ये दुआ थी कि परमेश्वर मुझे कोई राह दिखा, कोई अच्छा चरवाहा दे जो जिसको देख कर मैं बदल सकूँ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 15 अगस्त का दिन था उस दिन, तो फिर मैं उस दिन फास्ट में था, तो राम दरबार में से मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि आजा चल, आज 15 अगस्त का दिन है तो इंजॉय करते हैं, दारू पिएंगे। मगर ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो जैसे ही मैं जाने लगा तो पास्टर जी वहाँ पे आए, उनकी गाड़ी आई वहाँ पे, तो गाड़ी में इनके पास एक तो था, ड्राइवर था, तो इन्होंने उनको बोला कि इस व्यक्ति को बुलाओ मेरे पास। तो उन्होंने बुलाया मेरे को, कहा पास्टर ने मुझे आवाज़ लगाई, तो पास्टर ने कहा कि आप जानते हो? मैं कहा हाँ जी आपको जानता हूँ। मैंने कहा पास्टर विनोद नाम है आपका। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, तो मुझे अच्छा लगने लगा, अच्छा महसूस होने लगा, जैसे मैं नशे में झूमने लगा। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, इनको मसीह का नशे में ये झूमने लगे। ऐसे आपको ऐसा लगने लगा जैसे नशा हो रहा है? कौन सा नशा हो रहा था? यीशु मसीह का नशा। यीशु का नशा। आज कितने साल हो गए आपने नशा नहीं किया? मुझे सर आज मतलब 8 महीने हो गए हैं। पहले तो छोड़ दिया था मैंने, फिर जैसे ही मैं चर्च से अलग हुआ ना। ध्यान से सुनिएगा, 8 महीने से, कितने 8 महीने से अब ये नशा नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। अभी 8 महीने से कभी दिल करता है? नहीं, बिल्कुल दिल नहीं करता। नहीं। यहाँ लगातार आ रहा है? लगातार आ रहा है। ये यहाँ पर लगातार आ रहा है, हर वीरवार, हर इतवार। अभी कौन सा नशा करता है? अभी तो सिर्फ यीशु मसीह का नशा करता हूँ। कौन सा? यीशु मसीह का। कौन सा? यीशु मसीह का। कौन सा? यीशु मसीह का। कौन सा? आमीन। कभी कभी ऐसा हुआ कि तूने नशा किया और तू कहीं गिर गया, या तुझे कोई उठा कर घसीट कर ला रहा है, कभी ऐसा हुआ? मेरे माँ बाप जो उठा के लाते थे रोड पे से। इसके माँ बाप इसको रोड से उठा कर लाते थे। कभी ऐसा हुआ कि किसी के घर में तू नशे में लत में गिर गया और कोई तुझे ऊपर से गट सीट कर नीचे रोड पर फेंक कर? एक बार मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, मैं वहीं पे उनके घर में बेहोश हो गया। अच्छा, दारू पी। कौन से सेक्टर की बात है ये? राम दरबार की बात है। राम दरबार। तो वहाँ मुझे चौथी मंजिल से नीचे तक घसीट के ले गए, हर स्टेप के ऊपर मेरे सिर में चोट लगी पौड़ियों से। सुनिए, हर स्टेप के ऊपर इसका सिर पौड़ी पर, हर स्टेप पर लग रहा था। इसका कहाँ से पकड़ा था तेरे को? टांग से पकड़ के ले गए। टांग से पकड़ कर वो नीचे लेकर आए, क्योंकि नशे की धुत में उनके घर में गिर गया। फिर मुझे एडमिट कर दिया हॉस्पिटल के अंदर। तो जैसे ही मुझे होश आया, मैं उठ के घर चल दिया। फिर अगले दिन मैं हॉस्पिटल में गया, अपने सिर का वो करवाया सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन करवाया, तो रिपोर्ट जो हाथ में आई मेरे, तो मैंने डॉक्टर को कहा, मैं सर देखना रिपोर्ट में क्या है। वो कह रहा कि जाके ना मरीज के टेबल पर रख दो। मैं कहा सर मरीज तो मैं ही हूँ। वो देख के चौंक गए कि यार ये रिपोर्ट आपकी है? मैं कहा सर ये रिपोर्ट मेरी है। कि कह रहा है आपके जो दिमाग में जो चोट लगी है, इसमें तो बंदा पागल हो जाता है, आप नॉर्मल घूम रहे हो।
मुझे इस बात इसको असलियत में इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही परमेश्वर की नजर थी। चार जगह क्रैक थे दिमाग के अंदर, दिमाग में चार क्रैक थे, चार जगह क्रैक थे यानी फ्रैक्चर थे चार जगह। और अभी अब तो बिल्कुल ठीक है बस। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि देखिए चार जगह फ्रैक्चर थे और चारों फ्रैक्चर अब बिल्कुल ओके है, चारों ठीक है बस बिल्कुल, चारों जगह जहां से फ्रैक्चर थे चारों जगह ठीक है।